सबसे प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में भिन्नों के योग पर आधारित प्रश्नों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है हमारा चार बटे तीन। हम बता दें आपको भिन्न क्या होते हैं। ऐसी संख्या है जो अंश और हर के बटे के रूप में या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में लिखी जाती है, इनको बोलते हैं हम भिन्न। तो यहाँ पे लिखिए हमें चार बटे तीन, एक बटे दो और दो बटे चार को हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले हम नीचे वाली संख्या हम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, तो देख लीजिए तीन दो चार का हम लेंगे एलसीएम। सबसे पहले हम दो से भाग देंगे तो तीन जगह होते हो, दो एकम दो, दो दूनी चार। फिर दो से भाग देंगे तीन जगह होते हो, एक जगह होते हो, दो एकम दो। अब तीन से भाग देंगे तीन एकम तीन। तो इनका एलसीएम कितना आ गया हमारा, तीन दूनी छह और छह दूनी बारह। हमारा बच्चों एलसीएम आ गया बारह। अब हम क्या करते हैं, पहले तीन का भाग देंगे चार में। तो तीन का जब हम चार में भाग देंगे तो हमारा चार आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? चार। और इस चार का मल्टीप्लाई कर देंगे हम चार में, तो कितना हो जाएगा हमारा सोलह। इन दो में भी हमें वही करना है, दो में बारह में दो का बारह में भाग देंगे तो छह बार जाएगा, और छह का एक में गुणा करेंगे तो छह आ जाएगा। फिर चार का भाग देंगे हम बारह में, है ना, चार का भाग देंगे हम बारह में तो चार किया बारह, तीन बार जाएगा। और इस तीन का दो में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा छह। तो ये कितना आ गया हमारा सोलह और छह, है ना, सोलह और छह हमारा हो जाता है बाईस, बाईस और छह हो जाता है हमारा अट्ठाईस। इसका आंसर आ गया हमारा अट्ठाईस बटे बारह। आइए अगला सवाल देखते हैं। दो आठ और तीन का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो बच्चों इनका एलसीएम अभी मैंने निकालना सिखाया था, तो कितना आ जाएगा इनका एलसीएम, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका चौबीस। फिर वही करेंगे, दो में भाग, दो में दो का भाग देंगे आपका चौबीस में, तो कितना जाएगा हमारा, यह जाएगा हमारा बारह। और इस बारह का मल्टीप्लाई करेंगे चार में, तो बारह चौक, बारह चौके हमारा हो जाएगा अड़तालीस। प्लस करेंगे हम आठ में, फिर भाग देंगे तो आठ दिया आठ का भाग देंगे चौबीस में, तो आठ दिया चौबीस और तीन एकम तीन। प्लस फिर वही करेंगे हम, इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा तीन, जो भाग देंगे तीन का तो तीन आठ है चौबीस, कितना जाएगा हमारा आठ आ जाएगा। और इस आठ का मल्टीप्लाई करेंगे चार में, तो आठ चौके हो जाएगा हमारा बत्तीस। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, दो तीन पांच, पांच और आठ तेरह की तीन, कैरी एक, तीनों एक चार, चार और चार आठ, तेरासी बटे चौबीस। आइए ये वाला और समझ लेते हैं। दो तीन और चार का फिर से क्या करना है, एलसीएम करना है। तो कितना जाएगा हमारा एलसीएम, कितना जाएगा बारह। फिर वही करेंगे हम, दो का भाग देंगे बारह में तो छह बार जाएगा, और छह का गुणा कर देंगे हम एक में, तो कितना जाएगा हमारा छह हो जाएगा। फिर तीन का भाग देंगे बारह में तो चार बार जाएगा, चार के एक में गुणा कर देंगे चार हो जाएगा। फिर वही चार का फिर हम बारह में भाग देंगे तो तीन बार जाएगा, और इस तीन का दो में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा छह। इनको जोड़ दीजिए, इनका जोड़ने पर कितना आंसर आ जाएगा, छह और चार दस और छह सोलह, सोलह बटे बारह हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस वाले सवाल को आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए।